बहुत कुछ डिस्कस किए थे, जैसे कि व्हाट इज करंट, उसके बाद करंट किस तरह फ्लो करता है ना, ये सब लोग डिस्कस कर लिए थे। करंट कैसे फ्लो करता है, करंट क्या होता है, उसके बाद बहुत सारा ऐसा कुछ लिक्विड कंसीडर किए थे जो कि जिसके थ्रू करंट पास कर सकता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कंसीडर किए थे क्या, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl और टैप वाटर और एनी काइंड ऑफ लेमन जूस, एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच कंटेन्स आयंस कैन पास और करंट कैन बी फ्लो थ्रू इट। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का बात किए थे। अच्छा, आज की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग आगे, अगर आज कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग थोड़ा बहुत नेचुरल फिनोमेना के बारे में भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट लेक्चर 2, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग बहुत कुछ डिस्कस किए थे इसके बारे में, अगर याद होगा तुमको तो हम लोग बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। जैसे करंट क्या होता है, कैसा यूनिट्स, कंडक्टर क्या होता है, व्हाट इज इंसुलेटर, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, देन Which type of liquid can contains, can passes current through it, मतलब behave like aqueous solutions. So ये सब सारा बात जो है हम लोग कहीं ना कहीं से इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, और कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का उसके थ्रू, ठीक है। देखो एक बार स्क्रीन पे, हम यहाँ पे एनसीईआरटी से बता रहे हैं, तो एक बार उस चीज से देख लो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या दिया हुआ है, और इसका कुछ क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ होमवर्क हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो स्क्रीन में दिख रहा होगा, है ना, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग ये सब बात डिस्कस कर लिए थे, एक एक्सपेरिमेंट देखे थे हम लोग, एनोड कैथोड के बारे में भी पढ़े थे, देखे थे किस तरह, एक तो पोटैटो वाला एक्सपेरिमेंट किए थे, टेस्टिंग पोटैटो, याद होगा कलर चेंज करता है, तो इसे हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग यहाँ से देखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग जब भी न्यू बाइसाइकिल खरीदते किसी ब्रांड का, तो हम लोग देखते हैं हैंडल बार जो होता है, हैंडल बार, व्हील रिम्स, ये सब बहुत शाइनी टाइप का होता है, दिस आर लाइक सिल्वर्ड शाइनी शाइनी टाइप कलर, ठीक है। और इस पे अगर एक्सीडेंटली कुछ स्क्रैच आ गया तो शाइनी कोटिंग जो होता है वो हट जाता है, उससे शाइनी सरफेस जो होता है वो हट जाता है ना, तो हम लोग को थोड़ा ब्लैकिश टाइप का दिखता है, और उसका जो कलर है वो अपना आयरन का वो निकल जाता है बाहर, ठीक है। कुछ ऑर्नामेंट्स जो होता है, विमेंस जो ऑर्नामेंट्स यूज कर रहे हैं, यूज करती है, वो सब ऑर्नामेंट्स में भी जो गोल्ड का या फिर कोई कोटेड किया हुआ, सिल्वर के ऊपर गोल्ड का कोटेड किया हुआ, ये भी कुछ दिन के बाद धीरे धीरे जब कोट खत्म हो जाता है तो ब्लेंड दिखता है बहुत। तो ये दोनों केसेस में हम लोग ये देख रहे हैं कि मेटल जो है उसको हम लोग किसी अनदर मेटल से कोट कर रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो इन दोनों दोनों एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखे कि मेटल जो है उसको हम लोग किसी अनदर मेटल से कोट कर रहे हैं, है ना। तो अपने पास जो मेटल है उसको हम लोग किसी अनदर मेटल से कोट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब मान लो कि तुम्हारे पास कोई भी मेटल है, सपोज एनी काइंड ऑफ मेटल, फॉर एग्जांपल यू हैव सिल्वर, ठीक, यू हैव आयरन, यू हैव आयरन, यू हैव सिल्वर, देन इट इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग दूसरे मेटल के साथ कोट कर दे रहे हैं, मतलब कोटेड विद अनदर मेटल, ठीक है, विद अनदर मेटल, एक दूसरे मेटल के साथ हम लोग कोट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए मान लो सिल्वर लेते हैं, ठीक है, तो तुम लोग सुने हो कि ऑर्नामेंट जो सिल्वर का होता है उसके ऊपर हम लोग गोल्ड का कलर या कोटेड गोल्ड का कोटिंग चढ़ाते हैं,
जिसको बोलते हैं सोना का, इसके ऊपर हम लोग सोना का कोटिंग चला है गोल्ड का, तो सिल्वर के ऊपर हम लोग गोल्ड का कोट कर सकते हैं। तो हम लोग को एक गोल्ड का ऑर्नामेंट नहीं होता है, बट ये दिखता है गोल्ड की तरह, है ना, गोल्ड को हम लोग कोट कर देते हैं। बट धीरे धीरे क्या होता है ना, जैसे हम लोग धीरे धीरे यूज करते रहेंगे, पानी लगेगा उस पर, एनवायरमेंट के साथ, हवा के साथ रिएक्शन होते रहेगा, तो धीरे धीरे कलर चला जाएगा और सिल्वर का जो ऑरिजिनल कलर वो आ जाएगा, ब्लैक टाइप का हो जाएगा, ठीक है, साइन भी चला जाएगा। या फिर हम लोग एग्जाम्पल एक लिए कि सपोज हम लोग बाइसाइकिल लेते हैं, तो उसमें जो साइनिंग पार्ट दिखता है हैंडल बार का, रिम का, तो इस पे भी आयरन के ऊपर निकल या फिर कोई दूसरे मटेरियल का हम लोग कोट करते हैं। तो इसी कोटिंग करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, दोनों केस में हम लोग क्या देखे कि जो मेटल होता है उसको हम लोग कोट कर रहे हैं किसी दूसरे मेटल के साथ, है ना, मेटल इज कोटेड विद सम अनदर मेटल। तो लेयर ऑफ वन मेटल जो है उसको हम लोग डिपोजिट किया अनदर मेटल पे। तो इसको हम लोग खुद से एक बार करके देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या लिए हैं, एक कॉपर प्लेट ले लिए, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है ना, वी हैव टू टेक टू कॉपर प्लेट्स, वन इज एंड इट इज डिप्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सो व्हाट विल वी टेक, वी नीड अ कॉपर सल्फेट एंड द टू कॉपर प्लेट अराउंड 10 × 4 cm, एंड उसमें हम लोग 250 ऑफ डिस्टिल वाटर लिए, क्लीन डिस्टिल वाटर, क्लीन बीकर पे, उसको हम लोग 2 tablespoons कॉपर सल्फेट के साथ डिजोल्व कर दिए। क्या क्या किए, हम लोग डिस्टिल वाटर लिए, डिस्टिल वाटर में हम लोग कॉपर सल्फेट के पाउडर को डिजोल्व कर दिए, तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया, और इसमें हम लोग 2 copper plates को डिप कर दिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड को भी उसमें डाले सॉल्यूशन पे, ज्यादा कंडक्टिंग बनाने के लिए। अब इसके बाद क्लीन कॉपर प्लेट जो होगा उसको सैंड पेपर से थोड़ा सा हम लोग क्या किए, क्लीन कॉपर प्लेट को क्लीन कर दिए सैंड पेपर के साथ, विद हेल्प ऑफ सैंड पेपर, ताकि उसमें डस्ट वगैरह हट जाए। फिर हम उसको रिंस कर दिए विद वाटर एंड ड्राई कर दिए, धो दिए पानी से उस कॉपर प्लेट को, ड्राई कर दिए, तो कॉपर प्लेट पूरी तरह से साफ सुथरा हो गया। अब उस कॉपर प्लेट को हम लोग 2 terminals से कनेक्ट किए, है ना, टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट किए और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इमर्स कर दिए, लाइक एज शोन इन द फिगर, जैसे डायग्राम में दिखाया गया। अब हम लोग क्या किए, करंट को अलाउ किए पास करने के लिए 15 मिनट तक, और फिर हम लोग इलेक्ट्रोड को रिमूव कर दिए सॉल्यूशन से, ठीक, और उसको हम लोग केयरफुली देखे, तो हम लोग कोई डिफरेंस देखे कि नहीं, इस चीज को हम लोग नोट करेंगे। तो हम लोग देखेंगे क्या कोई चीज इसके ऊपर कोट हुआ है, और अगर कोट हुआ है तो किस कलर का हुआ है, तो इन सब चीजों को हम लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो जब देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट, इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, जब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो जो कॉपर सल्फेट हो रहा है ना वो डिसोसिएट हो जा रहा है इनटू कॉपर और सल्फेट। देखो तुम्हारा सॉल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4, सो जब तुम इसको डिसॉल्व कर दिए हो, ये कंडक्टिंग एक लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है, इससे करंट पास करेगा, तो ये क्या हो जाएगा ना, ये धीरे धीरे क्या होगा, डिसोसिएट करेगा कॉपर और सल्फेट में, कॉपर में प्लस सल्फेट में, तो जो फ्री कॉपर रहेगा, जो फ्री कॉपर रहेगा वो नीचे तक चला जाएगा, जो फ्री कॉपर रहेगा नीचे जमा हो जाएगा इलेक्ट्रोड के नीचे। ठीक है, और फ्री कॉपर गेट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, फ्री कॉपर नेगेटिव की तरफ जाएगा और वहां जाके जमा हो जाएगा, तो कॉपर जो लॉस किया सॉल्यूशन में वो कहाँ गया, तो इस पूरे प्रोसेस में दूसरा जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है ना उस पर इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर जो वो डिजोल्व हो गया सॉल्यूशन के साथ, तो लॉस ऑफ कॉपर जो है सॉल्यूशन से वो रिस्टोर्ड हो गया इस प्रोसेस पे, और इसको हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, और एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में ट्रांसफर करते रहेंगे। तो यही जो प्रोसेस होता है डिपोजिंग ऑफ लेयर एनी डिजायर्ड मेटल, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, जिसमें हम लोग डिजायर्ड मेटल को डिसोसिएट करते हैं, कोट करते हैं किसी दूसरे मेटल पे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। इस चीज को बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटनिंग, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटनिंग, है ना, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल। तुम किसी भी डिजायर्ड मेटल को अगर डिपोजिट करना चाहते हो किसी दूसरे मेटल पे, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटनिंग बोलते हैं। ये कॉमन एप्लीकेशन इसका केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। लेकिन हम लोग जो बराबर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, कार में, बर्तन बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में, तो उसमें इतना छोटे लेवल पे नहीं करते, उसके लिए बहुत बड़ा सा हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है ये सब करना। ठीक है,
तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत यूजफुल प्रोसेस होता है, इसका इंडस्ट्री में बहुत वाइडली यूज है, थीन फिल्म डिपोजिशन में, थीन लेड डिपोजिशन में। इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हैं, क्रोमियम को हम लोग, क्रोमियम जो होता है, क्रोमियम प्लेटिंग, उसको हम लोग बहुत ऑब्जेक्ट में कोट करते हैं, जैसे कार के पार्ट्स में, टैप्स में, किचन गैस में, बर्नर पे, बाइसाइकिल पे, व्हील रिम्स पे, है ना, इन सब जगह पे हम लोग क्रोमियम को कोट करते हैं। क्रोमियम को कोट क्यों करते हैं, क्योंकि क्रोमियम एक शाइनी अपीयरेंस देता है और कोरोड नहीं होता है। कोरोड मतलब बहुत जल्दी रस्ट नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा, दिखे खराब नहीं दिखेगा, ठीक है, स्क्रैच को भी थोड़ा रेजिस्ट करता है। सो क्रोमियम इज अ काइंड ऑफ मेटल, फर्स्ट इट हैज अ शाइनी अपीयरेंस। अगर तुमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोग ज्यादातर जो करते हैं ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट बोलते सॉरी, साइकिल हो गया, कार हो गया, कोई गैस बर्नर हो गया, तो देखना सिल्वर कलर का दिखता है लोग गैस बर्नर वगैरह भी, तो किस मेटल से कोट करते हैं, तो तुम्हारा आंसर होगा कि क्रोमियम से करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि क्रोमियम इज अ काइंड ऑफ मेटल विच हैज ऑलवेज शाइनी अपीयरेंस, एज वेल एज क्रोमियम जो होता है ना वो क्या होता है, स्क्रैच को रेजिस्ट करता है। क्रोमियम स्क्रैच को भी आसानी से रेजिस्ट कर सकता है, तो क्रोमियम का एक काम ये भी है, स्क्रैच को रेजिस्ट करना। तीसरा जो क्रोमियम का काम होता है, ये क्या होता है, बहुत जल्दी कोरोड नहीं होता। कोरोड का मतलब बहुत जल्दी ये मतलब रिएक्शन करके और बहुत जल्दी कलर नहीं इसका गायब होता है, तो इसीलिए क्रोमियम इज अ गुड चॉइस टू फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, और कोटेड ओवर द अदर मटेरियल। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जैसे क्रोमियम का तो शाइनी अपीयरेंस हो गया, कोरोड नहीं हुआ, स्क्रैचेस को रेजिस्ट किया, लेकिन क्रोमियम थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, उतना इकोनॉमिकल नहीं होता, तो होल ऑब्जेक्ट हम लोग क्रोमियम से नहीं बना सकते, तो हम लोग कुछ चीपर मेटल, हम लोग को चीपर मेटल जो होता है ना, चीपर मेटल हम लोग ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, और कुछ कुछ पार्ट्स में बस क्रोमियम को हम लोग डिपोजिट करते हैं। क्रोमियम इज वेरी कॉस्टली, तो पूरा जो मेटल साइकिल बनता है उसमें बहुत सारा आयरन को यूज कर रहे हैं ना, तो थोड़ा चीपर मेटल को यूज करते हैं, बट साइकिल का जो हैंडल बार हो गया, फिर जो रिम हो गया, उन सब चीजों पे हम लोग क्रोमियम से कोट कर देते हैं, बिकॉज ये देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, प्लस इट इज नॉट अ कोरोड एंड इट इज रेजिस्ट फ्रॉम द स्क्रैचेस एंड डस्ट, स्क्रैचेस बेसिकली, नॉट डस्ट, स्क्रैचेस। अच्छा, जैसे सिल्वर होता है, सिल्वर और गोल्ड में सिल्वर जो होता है लेस एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू गोल्ड, है ना, तो कुछ ऑर्नामेंट्स जो होता है वो गोल्ड की तरह अपीयरेंस होने की वजह से गोल्ड सब लोग खरीद नहीं सकता, गोल्ड इज टू एक्सपेंसिव। अब गोल्ड के तरह कुछ बनाना है हम लोग को, तो हम लोग यूज करते हैं सिल्वर को, और सिल्वर के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं गोल्ड का, तो इससे क्या होता है कि द ऑब्जेक्ट टू ऑर्नामेंट्स इज लुक लाइक गोल्ड बट इट इज नॉट एक्चुअली गोल्ड, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ सिल्वर, बट हम लोग गोल्ड से उसको इलेक्ट्रोप्लेट कर दिए ताकि देखने में थोड़ा गोल्ड टाइप का दिखे, बट इट्स नॉट अ प्योर गोल्ड, इट्स नॉट अ प्योर गोल्ड। सिल्वर को ही हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर पे हम लोग गोल्ड को कोट कर दिए। इसका हम लोग कंसिडर करते हैं टीन कैंस जो होता है, जिसको हम लोग खाना स्टोर करने के लिए काम में लाते हैं, जैसे सपोज मान लो टीन कैंस जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में है ना, छोटा कैन कोल्ड कैन कोक जो आता है, उसके बाद ये सब में भी हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं आयरन के ऊपर, तो आयरन के ऊपर टीन का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। टीन जो होता है लेस रिएक्टिव होता है आयरन से, और फूड में वो जाने के बाद, कॉन्टैक्ट होने के बाद रिएक्ट नहीं करता, तो फूड को खराब होने से, स्पॉइल्ड होने से बचाता है। आयरन जो हम लोग यूज करते हैं ब्रिजेस पे, ऑटोमोबाइल्स पे, उसको भी हम लोग स्ट्रेंथ देने के लिए क्या करते हैं, कोरोड और रस्ट से बचाने के लिए जिंक से कोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने देखा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का बहुत ज्यादा यूज है, फैक्ट्रीज में है, उसमें भी हम लोग कुछ कुछ चीजों को कोट करने के लिए, रस्ट से और कोरोड से बचाने के लिए हम लोग हमेशा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक बार फिर हम इजी लैंग्वेज में बता देते हैं क्या है। देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कुछ नहीं है, दो अगर हम लोग कोई भी प्लेट लेंगे और जिस भी मटेरियल को हम लोग उस पर कोट करना है, उसका हम लोग को सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, उसको सॉल्यूशन फॉर्म में लेना पड़ेगा, जैसे सल्फेट, कॉपर सल्फेट है ना, फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सल्फेट, इस तरह हम लोग को कुछ लेना पड़ेगा उसका एक्वा सॉल्यूशन बना के जो कि कंडक्ट करे, और जैसे हम लोग करंट पास करेंगे तो जो नेगेटिव जब डिसोसिएट होगा, जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4, Cu प्लस SO4 माइनस, तो Cu4 Cu प्लस है, तो प्लस जो होगा नेगेटिव टर्मिनल की तरह अट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रोड का,
और जो माइनस है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड होगा, तो देयर इज अ प्लेटेड, मतलब प्लेट पे क्या हो जा रहा है, प्लेट हो जाएगा धीरे धीरे कॉपर पूरा। तो इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं। क्या किसी कोई डाउट है यहाँ पे, पूछो एनी काइंड ऑफ डाउट। नो सर। समझ में आ गया पूरा? यस सर। ठीक है, चलो, वेरी गुड। तो बस इतना ही बचा हुआ था इसमें, और हम लोग एग्जाम्पल सब याद रखना, ठीक। चलो अब तुम लोग से पूछते एक्सरसाइज का क्वेश्चन, आज बना लेते हम लोग ओरली। ओरली बताना, लिखना नहीं है, घर में लिखोगे आराम से, और साइड बुक अगर तुझसे भी बनाओगे, ठीक। चलो जितना क्वेश्चन है डिस्कस कर लेते जल्दी जल्दी, ओरली एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 14-15 जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग ओरली डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सुनो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। मोस्ट लिक्विड्स दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ, बोलो क्या होगा, डैश एंड डैश, व्हाट इज आंसर। क्या होगा बोलो, मोस्ट ऑफ द लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर द एग्जांपल्स ऑफ क्या, डैश डैश एंड डैश, बोलो। बोलो क्या होगा एग्जाम्पल, आंसर क्या होगा, बोलो सोच के जल्दी से। नहीं यार। बोलो, सॉल्ट सॉल्ट सॉल्यूशन हो सकता है और नहीं पता, एसिडिक हो सकता है ना, बेसिक बेसिक भी हो सकता है, एच माइनस आयन, ओ एच माइनस आयन होता है बेसिक पे, एसिडिक सॉल्यूशन नहीं तो एच प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग आंसर जो होगा हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जैसे पहला का जो आंसर होगा उसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये तीन हम लोग एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, एसिड भी होता है इलेक्ट्रिसिटी का सॉल्यूशन, ठीक है। बेसिस भी कंडक्ट कर सकते हैं करंट को, लिक्विड जो होगा ना वो एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, तो इनमें में आयंस रहता है। अगर तुम बोलोगे कि लिक्विड, तो लिक्विड्स में एसिडिक लोगे तो एसिड में H+ आयंस होता है, अगर बेस लोगे तो OH- होता है, और सॉल्ट लोगे तो NaCl, दोनों रहेगा, आयंस रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक। चलो बी नंबर का आंसर बताओ, द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू सॉल्यूशन, डैश कॉज इफेक्ट, क्या केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर सी बोलो, इफ यू पास करेंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट डिपेंड्स ऑन डिपॉजिट ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू कौन सा टर्मिनल, इफ यू करंट नहीं, इफ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट, मतलब क्या, Cu+ SO4- कॉपर किस पे कनेक्ट होगा, किस पे जाएगा, सुनो क्वेश्चन समझो, अगर तुम करंट को पास कर रहे हो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, नेगेटिव टर्मिनल, वेरी गुड, क्योंकि कॉपर सल्फेट कैसे ब्रेक होता है, Cu+ SO4-, तो प्लस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और SO4- पॉजिटिव की तरफ, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर जो होगा वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है, और सल्फेट सॉल्यूशन जो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक, वेरी गुड, ये आंसर सही है। इसके बाद बताओ डी नंबर, डी बताओ, रुको तो हार्ड गया था, चलो डी का आंसर बताओ, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग लेयर, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी बताएं क्या नाम है बोलो प्रोसेस का, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक ठीक है। तो उसके बाद क्या है फिर, व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ अ टेस्टर
are dipped into a solution, the magnetic needle shows deflection. Can you explain the reason? अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो. मतलब जब तुम किसी फ्री एंड को डिप करते हो टेस्टर का, टेस्टर जानते ही हो है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट करता है कि नहीं, कंडक्टिंग होता है एक, और उसमें लाइट लगा रहता है. तो टेस्टर का फ्री एंड को तुम डिप करते हो सॉल्यूशन पे, तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करेगा. तो तुम इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? बोलो क्या क्या इस पे कंक्लूजन निकालोगे इससे, जल्दी बताओ. देखो ये तुम बताए थे पहले भी, जब भी तुम टेस्टर को डिप करोगे किसी सॉल्यूशन पे, ठीक, तो सॉल्यूशन पे डिप करने के बाद क्या हो जाएगा, पूरा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया टेस्टर में जब तुमने डिप कर दिया, और डिफ्लेक्शन हो रहा है मैग्नेटिक नीडल पे. इसका मतलब क्या है कि उस लिक्विड के थ्रू करंट पास कर रहा है, यानी कि अब वो एक कंडक्टिंग लिक्विड है, कंडक्टिंग लिक्विड है तभी तो उस पे करंट पास कर रहा है, ठीक है. तो कंपास नीडल क्या शो कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है. तो ये कंक्लूड कर रहा है कि करंट जो फ्लो कर रहा है वायर के थ्रू और सर्किट कंप्लीट है, फ्री एंड जो है टेस्टर को इमर्स किए हम लोग इनसाइड द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन है इसकी वजह से ही डिफ्लेक्शन हो रहा है. तो सिंपल एक लैंग्वेज में अगर एक दो लाइन में ऐसे बोलेंगे हम लोग कि द लिक्विड इज अ कंडक्टिंग लिक्विड, ठीक है, ड्यू टू विच करंट कैन बी पास थ्रू इट एंड द सॉल्यूशंस इज अ बेसिकली अ कंडक्टिंग सॉल्यूशंस, ठीक है, देयरफॉर नीडल्स फॉर डिफ्लेक्शन. सो थ्री का आंसर तुम लोग बोलोगे. नेम द थ्री लिक्विड व्हिच व्हेन टेस्टेड इन अ मैनर शोन इन द फिगर 14.9 मे कॉज मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट. कौन कौन सा तीन लिक्विड का नाम बोलोगे जिसकी वजह से मैग्नेटिक नीडल जो है डिफ्लेक्ट कर जाए, बताओ क्या क्या नाम बोलोगे? सॉल्ट वाटर. उसमें क्या क्या डालोगे तुम? वाटर. ऐसा कोई नॉर्मल लाइफ से एग्जांपल बोलो. सॉल्ट वाटर. हाँ सॉल्ट वाटर बोल सकते हो, नमक पानी का घोल बना के. हाँ और तो बताया बहुत सारा. लेमन जूस नहीं होगा? लेमन जूस तो कंडक्ट करता है. सॉल्ट वाटर, लेमन जूस, एक्वस सॉल्यूशन, HCl, एसिडिक सॉल्यूशन, HCl हो गया, H2SO4, एनी काइंड ऑफ एक्वस सॉल्यूशन लिक्विड, ये सब हो गया. एग्जांपल टैप वाटर. टैप वाटर भी डिफ्लेक्ट करेगा, बट टैप वाटर उतना नहीं कर पाएगा जितना कि बाकी करेगा, उसमें बैलेंस होता है, ठीक है. तो हम लोग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl बोल सकते हैं दूसरे तीसरे एग्जाम्पल में. अच्छा फिर चौथा नंबर, फोर्थ वन. द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप शो इन द फिगर, लिस्ट द पॉसिबल रीजन, एक्सप्लेन योर आंसर. बताओ क्यों ग्लो नहीं करेगा बल्ब, पॉसिबल रीजन क्या क्या है, पॉसिबल. पॉसिबल रीजन क्या क्या है, ठीक है, What is the possible reason? बोलो. Possible reason क्या क्या है, ठीक है, उसको बोलना पड़ेगा. Bulb does not glow in the setup shown in the figure. This the possible reason. Explain your answer. क्या possible reason इसकी वजह से bulb glow नहीं कर रहे हैं? जल्दी जल्दी बताओ, इसको पढ़े हो अभी ना. एक तो liquid जो है non-conducting होना चाहिए. अगर लिक्विड नॉन कंडक्टिंग होगा तो डेफिनेटली नॉन कंडक्टिंग लिक्विड के थ्रू करंट पास नहीं करेगा, तो बल्ब कैसे ग्लो करेगा, ठीक है, तब तो बल्ब ग्लो करेगा ही नहीं. अच्छा दूसरा रीजन तो तुम ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट बहुत वीक होगा, ठीक है, ये हो सकता है बहुत वीक है तो. और या फिर जो तार लगा हुआ गुड कंडक्टर नहीं हो. हाँ दो रीजन वीक छोड़ दो, दो रीजन हम लोग ऐसा बोल सकते हैं. एक तो जो यहाँ पे सॉल्यूशन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर फोर पे, है ना, एक जो सॉल्यूशन क्वेश्चन फोर पे दिख रहा है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि दिस सॉल्यूशन इज नॉट अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन. हो सकता है कि ये कंडक्टिंग सॉल्यूशन ना हो. और दूसरा जो रीजन है वो ये हो सकता है, जो वायर यहाँ पे लगा दिए हम लोग, विच इज नॉट अ कंडक्टिंग वायर, हो सके कि कंडक्टिंग नहीं हो.
तो दोनों केस में बल्ब नहीं जलेगा, या तो तुमको लिक्विड को कंडक्टिंग करना पड़ेगा, पहला रीजन है। दूसरा रीजन ये, या तो तुमको तार को कंडक्टिंग करना पड़ेगा। इन दोनों में से अगर कोई भी एक कंडक्टिंग नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे कि करंट जो है बल्ब पास नहीं करेगा एंड बल्ब विल नॉट ग्लो। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, तो सब बता दे रहे इसके ऊपर याद रखना है ना, अब तो बना सकते हो खुद से भी। तो टेस्टर इज यूज्ड टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द टू ऑब्जेक्ट्स लेबल्ड ए एंड बी। इट इज फाउंड दैट बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लोज ब्राइटली फॉर लिक्विड ए व्हाइल इट इज ग्लोज वेरी डिमली फॉर लिक्विड बी। यू वुड कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूड करोगे बोलो, कौन सा ऑप्शन होगा तुम्हारे हिसाब से? लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी, लिक्विड बी इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड ए, बोथ लिक्विड्स आर इक्वली कंडक्टिंग, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर। सो व्हाट इज द योर आंसर? बोलो आदित्य, बोलो क्या बताएंगे हम लोग इनसे इससे? बोलो जल्दी। ये दोनों का आवाज है। सर रिपीट कर सकते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन? क्वेश्चन देखो ना दिख रहा है स्क्रीन पर, 5 नंबर। अच्छा स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन तुम लोगों को? स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? सर अभी डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? यस सर। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, तो 5 पढ़ो तो क्या है, क्वेश्चन 5 पढ़ो। अ टेस्टर इज यूज्ड टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड्स लेवल ए एंड बी। इट इज फाउंड दैट द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लोज ब्राइटली फॉर लिक्विड ए व्हाइल इट इज ग्लोज वेरी डिमली फॉर लिक्विड बी। यू वुड कंक्लूड दैट ए होगा, ऑप्शन 1 ए होगा। यस ए होगा, क्योंकि जो बेटर कंडक्टर होगा ना तो वो बहुत ज्यादा करंट को पास कराएगा। जो थोड़ा लाइट कंडक्टर होगा, मतलब जो थोड़ा वीक कंडक्टर होगा, वो बहुत ही हल्का उसमें इलेक्ट्रॉन पास करेगा, तो वो डिमली जलाएगा बल्ब को। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट वन, मतलब 1 नंबर इज करेक्ट। इसके बाद है, डस प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इफ नॉट व्हाट वी डू मेक इट कंडक्टिंग। बोलो प्योर वाटर करेगा क्या कंडक्ट? क्या प्योर वाटर कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी? जल्दी बताओ। डिस्कनेक्ट हो गया क्या? बोलो आदित्य, आयुष, सूरज, डस प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? हाँ ना कुछ बोलो। No, sir. नहीं करेगा तो बोलो जल्दी से, क्यों नहीं करेगा, कारण बताओ। जानते तो हो ही, बताओ। इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि प्योर वाटर के पास कोई सॉल्ट नहीं होता है ना, कोई आयंस नहीं होता है। ठीक है, तो प्योर वाटर मतलब पूरी तरह से प्योर। अगर हम लोग पिएंगे उस वाटर को तो हम लोग बीमार पड़ सकते, इवन हम लोग का डेथ हो सकता है। प्योर वाटर इज सो प्योर, मतलब वो काफी प्योर होता है, उसमें कोई आयंस नहीं होता है। तो हम लोग को जो पानी पीना है उसमें आयंस का बहुत जरूरत है, उसमें सॉल्ट होना चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ आयंस होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, तभी हम लोग पानी को पीते हैं। प्योर वाटर की वजह से हम लोग बहुत जल्दी हम लोग का इम्यूनिटी डाउन हो जाएगा बॉडी का। सो प्योर वाटर किसी भी तरह कोई सॉल्ट सॉल्यूशन या एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन कंडक्ट नहीं करता है। अगर उसको कंडक्टिंग सॉल्यूशन बनाना है तो हम लोग नमक उसमें मिला देंगे, NaCl, तो नमक का जो घोल बन जाएगा पानी के साथ, अब वो कंडक्ट कर सकते इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, ऐसा नहीं करेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पढ़ो, देखो क्या है। अ चाइल्ड सेइंग इन अ कॉस्टिकल रीजन, कॉस्टिकल रीजन टेस्ट्स
सेवन नंबर नहीं हुआ, सेवन नहीं हुआ ना, अच्छा हाँ सेवन सॉरी. इन केस ऑफ फायर बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर होसेस, वाटर होसेस दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया. व्हाई बताओ, जब आता है फायर ब्रिगेड वाला लोग, फायरमैन लोग, बिकॉज वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वाटर जो का वो अच्छा कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, है ना. और एक तो ये भी है कि फायरमैन अगर बंद नहीं करेगा, शट ऑफ नहीं करेगा, तो वाटर जब उस पर स्प्रे कर देगा ना, तो हो सके कि वाटर अच्छा कंडक्टर होता है टैप वाटर, तो क्या करेगा अप्लायंस को, अप्लायंस में इलेक्ट्रिसिटी को और इंक्रीज कर देगा पास करने को, जिसकी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने से क्या होगा, वो पूरा जो चीज फायर हो सकता है, मतलब आग लग सकता है इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स पे, सर्किट्स पे करंट बहुत ज्यादा पास कर जाएगा. तो इसी वजह से सबसे पहले जब भी आग लगता है कहीं पे, तो इलेक्ट्रिकल स्विच वगैरह बंद कर दिया जाता है पानी देने के, मतलब जब स्प्रे कर, वाटर स्प्रे करने के पहले जो भी स्विचेस है घर में, बोर्ड है, जो भी मेन सप्लाई है, सबको बंद कर दिया जाता है, ताकि हम लोग अगर स्प्रे वाटर करेंगे तो उससे और खतरा है आग लगने का, अगर हम लोग करंट को ऑन करके रख देते हैं. तो ये सब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, सब लोग जानते ही हो. ठीक है, अब 8 नंबर. ठीक, a child saying in a caustical reason test the drinking water and also the sea water with his tester. He finds the compass needle deflects more in case of sea water. Can you explain the reason? बोलो. बहुत इजी आंसर है. बोलो आदित्य, बोलो जल्दी, तुम चुप क्यों हो, जल्दी बोलो. इतना इजी आंसर है, बोलो आदित्य. क्या हो जाएगा आंसर? आदित्य, आयुष, सूरज, कोई भी बोलो. सर बिकॉज़ उसमें सॉल्ट होता है. हाँ, एक ही आंसर है. सी वाटर पे सॉल्ट का होता है. हाँ, सी वाटर में सॉल्ट का लेवल बहुत ज्यादा रहेगा, और लोग जो ड्रिंकिंग वाटर उसपे भी रहेगा, बट उसमें टेस्टर उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं करेगा जितना कि सी वाटर पे करेगा, बिकॉज सी वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट, एंड एज वी नो द सॉल्ट वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो हायर द सॉल्ट, हायर द नंबर ऑफ सॉल्ट और हायर द अमाउंट ऑफ सॉल्ट, हायर इज इलेक्ट्रिसिटी. सो देयरफॉर डेफिनेटली सी वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर. अच्छा, 9 नंबर तुम लोग बोलना. ठीक, सोच के. इट इज सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर्स ड्यूरिंग हेवी डाउनपोर. एक्सप्लेन, बोलो. क्या ये सेफ इलेक्ट्रिशियन के लिए इलेक्ट्रिकल रिपेयर को कैरी करेगा हेवी डाउनपोर में? मतलब बहुत तेज बारिश हो रहा है और बोला गया कि बारिश में क्या काम करेगा अभी कोई इलेक्ट्रिशियन बाहर, आउटडोर में काम करेगा क्या? बोलो, करेगा कि नहीं करेगा, बताओ. नो सर, नहीं करेगा. क्या कारण है उसका? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? उसको करंट लग सकता है. करंट लग सकता है? करंट लगेगा क्यों, बता रहे हैं. रेन जो होता है, रेन में भी आयंस होता है, रेन वाटर में भी आयंस होता है, एसिड होता है, इतना पॉल्यूशन से मिल के आया हुआ है, एसिडिक रेन होता है, एसिड होता है, तो इट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. रेन वाटर बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, उस पर सॉल्ट सोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो रेन वाटर की वजह से क्या होगा ना, अगर वो काम किया तो और भी ज्यादा कंटेक्ट कर देगा सर्फेसेस को, और इससे उसको शॉक लग सकता है, तो बहुत हार्मफुल उसके लिए कि आउटडोर पे हेवी रेन पे काम करे. चलो 10 नंबर क्वेश्चन तुम बताओ, हम टाइम देंगे, 10 हम नहीं बताएंगे, 10 इलेवन तो तुम ही लोग बताओ. ठीक, मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन एनसीईआरटी का, तुरंत बन गया हम लोग आज. साइड बुक का तुम लोग खुद से लिखोगे, मतलब बनाओगे. चलो 10 नंबर बताओ. पहली हैड हियर्ड दैट रेन वाटर इज अ गुड कंडक्टर, रेन वाटर इज अ गुड एज डिस्टिल्ड वाटर, सो सी कलेक्टेड सम रेन वाटर इन अ क्लीन ग्लास टम्बलर and tested it using a tester. To her surprise, she found that the compass needle showed deflection. What could be the reason? पहली सुनी थी कि रेन वाटर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है डिस्टिल वाटर की तरह,
तो उसने क्या किया, रेन वाटर कलेक्ट करना शुरू किया और एक क्लीन ग्लास में उसने डिस्टिल वाटर को कनेक्ट, सॉरी रेन वाटर को कनेक्ट किया और उसमें टेस्टर लगा के डिफ्लेक्शन चेक की। उसने क्या देखा कि कंपास नीडल जो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो क्या रीजन इसके पीछे? अभी तो बताएं। बोलो। हेलो। क्या हुआ इसमें तेरे को? बोलो बोलो, आ जा रहा है, बोलो। सर बहुत देर से कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, स्पीड ही नहीं आ रहा था इंटरनेट का। कोई बात नहीं, नेटवर्क चला जा रहा है, हम सुन रहे हैं, तुम बताओ। अभी हम क्या बताएं, अभी तो हम कुछ सुने ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो ना। 10 10 पढ़ो एक बार। क्या है टेंथ में? टेंथ में है कि पहली जो है ना, आवाज आ रहा ना, अभी आ रहा आवाज? यस सर, आ रहा, आ रहा। पहली जो है वो रेन वाटर को कलेक्ट कर रही है, क्योंकि वो उसको लगा कि रेन वाटर इज एज गुड एज डिस्टिल वाटर, तो उसने रेन वाटर को कनेक्ट किया। जब देखा टेस्टर लगा के, तो देख वो देखी कि टेस्टर जो है डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो क्या कारण है उसका, बोलो रीजन क्या है? फॉर सर्टेन डेफिनेटली रेन वाटर के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्ट रहता है ना, तो रेन वाटर सॉल्ट कंटेन करता है, आयन कंटेन करता है, वही रीजन हो गया, इसी वजह से डिफ्लेक्ट करेगा। तो रेन वाटर इज अ कंपोज्ड ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट, मेक दिस मेकिंग दिस कंडक्टेंस कंडक्टिंग एंड इट आल्सो कंटेन्स सम आयंस। सॉल्ट वाटर ही होता है ना, सॉल्ट वाटर होता है, कुछ आयंस होता है, ठीक है। चलो 12 नंबर बताओ, ये हम नहीं बताएंगे, एक्सटर्नल लर्निंग एक्टिविटी प्रोजेक्ट। 12 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, 11 नहीं है ना, 11 देखो। प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। कौन कौन सा ऑब्जेक्ट देखते हो तुम अपने आसपास, बताओ, इलेक्ट्रोप्लेटेड वाला? क्रोमियम प्लेटिंग। कौन कौन सा ऑब्जेक्ट देखते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। हाँ, क्रोमियम प्लेटिंग, गोल्ड प्लेटिंग और जिंक प्लेटिंग। वेरी गुड, क्रोमियम प्लेटिंग देखते हैं साइकिल्स पे, बहुत सारा किचन के बर्तन सब में। उसके बाद हम लोग देखते हैं गैस जो बर्नर उस पे, ठीक है, उस पर हम लोग देखते हैं क्रोमियम कोटिंग, साइकिल के रिम पे, ठीक है, बाइक के हैंडल पे, बाइक के रिम पे हम लोग देखते हैं। आजकल तो अलग अजीब टाइप का, आजकल तो जनरली मेटल फिनिश टाइप का आता है, तो पहले जमाने में जो साइकिल सब होता था ना, उसमें ज्यादा दिखता था। आजकल थोड़ा सा कार्बन कोटेड या फिर मेटल फिनिश, मैट फिनिश पे आता है, जो नया नया साइकिल आ रहा है, ब्लैक कलर पे आता है, मैट फिनिश पे आता है, फाइबर फाइबर बॉडी पे आता है। तो अब उतना इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जमाना रहा भी नहीं, अभी भी होता है बर्तन वगैरह में। गोल्ड प्लेटर तो होता ही है ऑर्नामेंट्स में, मतलब जिसको सोना का जल चढ़ाना बोलते हैं हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में, तो उसमें सिल्वर ऑर्नामेंट्स में गोल्ड को प्लेट किया था, गोल्ड का पतला सा कोटिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं गोल्ड प्लेटेड। जिंक प्लेटिंग जो होता है वो आयरन के ऊपर हम लोग जिंक को प्लेट करते हैं ताकि रस्टिंग से बचाने के लिए, जैसे ब्रिज सब में हम लोग करते हैं, या फिर कोई ब्रिज बना उस पर करते हैं, और फैक्ट्रीज में कोई मशीनरी पार्ट से उसको करते हैं, ठीक है, ये हो गया। देन लास्ट क्वेश्चन, the process that you show in activity 14.7 used for purification of copper, a thin plate of pure copper and thick rod of impure copper are used as electrodes. Copper from the impure rod is showed to be transferred to the thin copper plate. Which electrodes should be attached to the positive terminal of the battery and why? बहुत simple question है, अभी हम लोग discuss यही थे। तो जो sulfate solution आएगा पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो सल्फेट सॉल्यूशन उस पे जाएगा, जो नेगेटिव होगा उस पे कॉपर जाएगा, क्योंकि कॉपर पॉजिटिव होता है, CU+, SO4- वो
पॉजिटिव की तरफ जाएगा और कॉपर जाएगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है, बस यही तो आंसर है इसका और क्या। सो बेसिकली चैप्टर हो गया कंप्लीट हम लोग का, ठीक। और भी कोई किताब है तुम्हारे पास, अगर बुकलेट है, किताब है, साइड बुक्स उससे भी बनाओगे, बहुत सिंपल चैप्टर सारा बन जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग पूछा था क्या होता है प्रोसेस लिखने के लिए, इसके अलावा कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है, करंट किसको कहते हैं हम लोग, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, कुछ एग्जांपल बताइए, कैसे टेस्ट कीजिएगा, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में भी। ये चैप्टर हम लोग का हो गया, ठीक है। अभी हम लोग के पास और तीन चैप्टर बचा हुआ है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक है लाइट, एक है नेचुरल फिनोमेना, एक है सोलर, ये क्या बोलते हैं सोलर सिस्टम मतलब प्लैनेट वाला यूनिवर्स, है ना, तीन चैप्टर है। तो जो चैप्टर है हम लोग का वो वाला क्या नाम है, नेचुरल फिनोमेना का, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट अभी बताते हैं 10 मिनट, ठीक। उसके अगले क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे, कुछ देर बताते हैं, उसके अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। देखो उस चैप्टर में हम लोग पढ़ना क्या क्या है वो डिस्कस करते हैं। नेचुरल फिनोमेना का मतलब होता है, नेचुरल फिनोमेना का मतलब होता है कि जो खुद से जो प्रोसेस हो रहा है वो खुद से हो रहा है, उसके पीछे नेचर का हाथ है। जैसे वो अपने आप कभी भी हो सकता है, उसके पीछे कोई मैनमेड या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन का हाथ नहीं, इसके पीछे नेचर का हाथ है। जैसे सुनामी, सुनामी कभी भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि सी के अंदर जो वेव्स है वो वेव्स जो ट्रिम वेव्स आ रहा है बड़ा बड़ा। सू मतलब क्या होता है, ये एक जापानी वर्ड है, सू का मतलब होता है सी और नामी का मतलब होता है लहर, तो सुनामी मतलब समुद्री लहर बहुत बड़ा सा जो मैसिव डिस्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो सुनामी एक तरह का हो गया नेचुरल फिनोमेना। इसके अलावा अर्थक्विक इज अ काइंड ऑफ नेचुरल फिनोमेना, जो होता है भूस्खलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लैंडस्लाइड्स, उसमें जमीन खिसकता है, पहाड़ी इलाका में होता है ज्यादातर, तो उस वो भी एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है। सो दिस आर सम ऑफ द नेचुरल फिनोमेना। इसके अलावा लाइटनिंग हो गया, थंडरस्टॉर्म हो गया, ये सब चीज भी नेचुरल फिनोमेना के अंतर्गत आता है। तो हम लोग प्रीवियस चैप्टर में ये सब चीजों का डिस्कस करेंगे, नेचुरल फिनोमेना क्या होता है। तो हम लोग जब सुनामी उनामी के बारे में पढ़ेंगे तो एक चीज ध्यान रखेंगे हम लोग को उसके पहले अर्थ के स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा कि हाउ अर्थ का स्ट्रक्चर कैसे होता है, मतलब उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होता है, मेंटल कोर ये सब क्या होता है ना, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है, व्हाट इज टेक्टोनिक प्लेट्स, उस स्ट्रक्चर को समझेंगे। सम ऑफ द डिवाइसेस होता है जो कि अर्थक्विक के स्केल को मेजर करता है, कुछ डिवाइसेस, उसमें से एक डिवाइस होता है रिएक्टर स्केल बोलते हैं हम लोग, है ना। तो सुनामी बार बार सुनामी बोल रहे अर्थक्विक को मेजर करने के लिए हम लोग कुछ स्केल का भी यूज करते हैं। अगर उस स्केल के हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि जो अर्थक्विक है वो बहुत मैसिव है या फिर मॉडरेट है या फिर ऐसे लो है, तो उस हिसाब से हम लोग कितना हम लोग का मतलब विनाश हुआ, कितना हम लोग को डिस्ट्रॉय हुआ, उस चीज को हम लोग मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सच स्केल्स। एंड वी ऑल्सो यूज सम टेक्निक्स विच इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ, जिसकी मदद से हम लोग सुनामी के अर्थक्विक के स्केल्स को मेजर करते हैं, ठीक है। सो इट इज अ काइंड ऑफ सम नेचुरल फिनोमेना। इसके अलावा लाइटनिंग जो होता है वो भी कभी भी हो सकता है, उसके पीछे भी किसी का हाथ नहीं है, लाइटनिंग हो सकता है कभी भी, बादल गरजता है लाइटनिंग हो गया। उसके फिर लैंडस्लाइड्स होता है ज्यादातर पहाड़ी टाइप के इलाकों में, वो प्लेटो जगह पे नहीं होता है, वो थोड़ा सा जैसे हिमालय मतलब समझ लो कि पहाड़ी इलाका में होता है, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, है ना, हिमालय के आसपास का जो रीजन है वो सब जगह में हो सकता है, नेपाल इंडिया बॉर्डर के पास हो सकता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन सब जगह में होने का चांस है। बिकॉज ये सब जगह में क्या होता है कि जो पत्थर होता है, जो चट्टानी पत्थर होता है या फिर जो पहाड़ होता है, वो किसी भी वे से खिसक सकता है जमीन, तो खिसकने से क्या होगा, पूरा पहाड़ जो है स्लाइड्स कर सकता है, पूरा वहां का जो स्पेस है वो पूरा स्लाइड्स कर सकता है। सो दिस इज ऑल्सो सम नेचुरल फिनोमेना व्हिच इज कॉल्ड लैंडस्लाइड्स। इससे भी बहुत डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि सुनामी तो हम लोग सुने ही है, बहुत पहले एक बार सुनामी आया हुआ था, बहुत खतरनाक, एक समुद्री लहर होता है जो कि पूरी तरह से विनाश कर देता है, बहुत पावरफुल होता है,
वो आसपास के इतना ज्यादा तेज लहर आएगा पानी का कि आसपास के पूरे शहर को पूरे एरिया को वो बर्बाद करके रख देगा, घर वर सब तोड़ देगा, मतलब बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करेगा, मैसिव डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ये देखें क्लाउड क्या होता है, क्लाउड होने के बाद किस तरह फ्रिक्शन हो रहा है क्लाउड्स पे, कैसे बिजली चमकता कैसे है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होता है चार्जेस का, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आज कंटिन्यू स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो चार्ज भी नहीं है, लाइट नहीं एक्चुअली यहाँ पे, तो इसलिए तो दिक्कत हो रहा है। 9% टैब में है और मोबाइल में बस 2% है जिससे वाईफाई कनेक्ट है, तो इसीलिए आज हम एक घंटा तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोग का होने वाला है, तो लेकिन हम लोग अगले क्लास में थोड़ा ज्यादा क्लास लेंगे, डेढ़ घंटा का राउंड, एक घंटा 20 मिनट 15 मिनट, तो उस पर हम लोग सब नेचुरल फिनोमेना वाला चीज जो है उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, नेचुरल फिनोमेना क्या होता है उस चीज को देखेंगे, वो चैप्टर हम लोग को एक दो क्लास लगेगा, फिर हम लोग का जो बचेगा लाइट और सोलर यूनिवर्स। नेचुरल फिनोमेना बहुत थियोरेटिकल टाइप का चैप्टर है, उस पर पढ़ना है रीडिंग टाइप का, बहुत जल्दी हो जाएगा, कुछ कुछ चीज समझाना है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब बहुत आगे हम लोग का सिलेबस है, ऑलमोस्ट 4-5 क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा, तो तुम लोग काम है कि क्वेश्चन आंसर बनाओ जैसे आज बनाए हो उस तरह, अपने से बनाओ घर में, थोड़ा पढ़ो, पढ़ने क्लास के बाद आराम से हो जाएगा कंप्लीट फिजिक्स, इसी मंथ में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में लोग मिलते हैं।